मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट कहाँ से शुरू होता है। थर्ड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। लाइव क्लास में मैंने जब आपसे प्रश्न पूछे थे तो आपने सभी का आंसर सही सही दिया था। आइए हम पार्ट नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। भूकंप से पृथ्वी पर बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, कभी कभी तो इससे नगर के नगर धरती में समा जाते हैं। जब भूकंप आता है तब बहुत ही ज़्यादा तबाही हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके द्वारा जो नगर नगर होते हैं, जैसे गांव-गांव होते हैं ना, वो भी क्या हो जाते हैं, धरती में समा जाते हैं। जब वो आग का गोला फटता है, जब भूकंप आता है, जब भूचाल आता है, तो नगर के नगर धरती में समा जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। कभी कभी किसी भयंकर भूचाल के बाद नदियों का स्थान पहाड़ और पहाड़ों का स्थान झील और समुद्र ले लेते हैं। जब ये भूचाल भूकंप आता है ना, तो यहाँ पर पहाड़ जो है, नदियों का स्थान पहाड़ ले लेते हैं और पहाड़ों का स्थान झील ले लेती है और समुद्र का स्थान झीलें ले लेती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। कभी कभी भूकंप से पहाड़ भी हिल जाते हैं। भूकंप जब आता है ना, तो उससे क्या होने लग जाता है, उससे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी हिल जाते हैं। पहाड़ों के नीचे और धरती के भीतर जो पिघला पदार्थ बहता रहता है उसे लावा कहते हैं। धरती के नीचे, आपको पता है ना, धरती के नीचे क्या मैंने आपको बताया, आग का गोला हरदम दहकता रहता है और उस जो भीतर उसके पदार्थ होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो पिघलते रहते हैं, बहते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। लावा बड़े वेग के साथ ऊपर आता है। वो जब वो जो लावा होता है वो कैसे आता है, वो बड़े वेग के साथ ऊपर आता है और किसी पहाड़ को फोड़कर बाहर निकल जाता है। जो पिघलता हुआ पदार्थ बहता है उसे लावा कहते हैं और लावा बड़े वेग के साथ ऊपर आता है और किसी भी कोई भी पहाड़ को फोड़कर वो बाहर निकल जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखलाया गया है। देख रहे हो ना, ये पहाड़ है, उसको फोड़कर क्या निकला है, लावा निकला हुआ है। इसे पहाड़ को ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी अर्थात आग निकलने वाला मुख। क्या देखो, ये पहाड़ का शेप दे रखा है और इसका थोड़ा सा जो मुंह खुला हुआ है उससे क्या निकल रहा है, लावा निकल रखा है, उसको क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। इसको हम किसका नाम देंगे, ज्वाला, ज्वालामुखी का नाम देंगे। जापान में कई ज्वालामुखी पर्वत हैं। जो जापान है उसमें ऐसे ही बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये बच्चों आपका पार्ट नंबर कौन सा था, ये बच्चों आपका पार्ट नंबर थ्री था। आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में, पार्ट नंबर सेकंड में और पार्ट नंबर थ्री में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि आपने देखा भूचाल भूकंप किसे कहते हैं, मेगा किसे कहते हैं और ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये तीनों के बारे में आपको पता चल गया है और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आप करके लेके आएंगे। पिछली क्लास का जो होमवर्क था, मैंने आपको शब्दार्थ दिए थे और प्रश्न उत्तर दिए थे। आज का आपका होमवर्क दोबारा से ये है कि आप मेगा के बारे में और भूकंप के बारे में लिख के लेके आएंगे कॉपी में, उसकी लाइनें कि इससे क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या कार्य और क्या क्या नगर किस तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के कथन के सामने क्रॉस, मतलब कि गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आपने अभी जो आपने पाठ पढ़ा है उसमें बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, उससे संबंधी ये क्वेश्चन दे रखे हैं। हमारे चैप्टर में जो बातें कही गई हैं वही बातें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर वो बात सही है तो उसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे, अगर वो बात गलत है तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। ये बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर थ्री आपको अपनी बुक में करके लेके आना है। जब आपकी लाइव क्लास होगी तब ये कार्य आपका बुक में ही चेक होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है।